बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल चलाने पर केस दर्ज है। आपको बता दें कि कुम्हारवाला सरपंच पुगल बीडीओ सहित 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ग्राम पंचायत कुम्हारवाला में साल 2021-22 फर्जी मस्टर रोल चलाने का यह आरोप है। सरपंच मकसूदा, बीडीओ गोपाराम, बीडीओ लक्ष्मण गुजराल गुलजार, साथ ही अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुगल पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुगल थाना क्षेत्र के कुम्हारवाला गांव पंचायत का ये मामला है। तो सरपंच वीडियो समेत 7 के खिलाफ मुकदमा, मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल चलाने पर केस दर्ज किया गया है। पुगल थाना क्षेत्र के कुम्हारवाला ग्राम पंचायत का ये मामला है। फर्जी मस्टर रोल यहां पर चलाया गया। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मंडा। सुरेंद्र, सरपंच वीडियो और 7 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है फर्जी मस्टर रोल को लेकर, क्या कुछ अपडेट इस मामले पर? जी सौरभ, देखिए हर बार देखने को मिलता है कि मनरेगा में अलग अलग तरह से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आता है। तो इस बार पुगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है कुम्हारवाला, वहां पर फर्जी तरीके से मिस्टोल चलाने का एक आरोप लगाते हुए एक ग्रामीण के द्वारा पुगल पुलिस थाना में सरपंच वीडियो सहित ग्राम विकास अधिकारी सहित 7 लोगों के खिलाफ है जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्कूली बच्चों के जो पढ़ने वाले स्कूलों बच्चे हैं उनकी मिस्टोल में नाम चलाया गया है। उनके मिस्टोल में जो उपस्थिति लगाई गई उसके साथ साथ स्कूल में भी उपस्थिति लगी हुई है। ऐसे में पुगल पुलिस के द्वारा जो ग्राम पंचायत कुम्हारवाला है उसके सरपंच सहित ग्राम विकास अधिकारी और विकास अधिकारी पुगल सहित अन्य जो लोग हैं उसमें मनरेगा में सम्मिलित उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले की जाँच है वो ASI बाबूलाल यादव को सौंपी गई है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरपंच बीडीओ वीडियो और सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुगल थाना क्षेत्र के कुम्हारवाला ग्राम पंचायत का ये मामला है।